हेलो एवरीवन, आज 18 नवंबर को एक गाइडलाइन जारी हुआ है जिन बच्चों का दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए, तो OBE एग्ज़ाम के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है, तो आपकी जो 5 नवंबर को जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी तो 95% चांस है कि फाइनल डेट शीट भी वही रहेगी। तो आप टेंटेटिव डेट शीट के ज़रिए आप तैयारी अपना शुरू करिए, और जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा, तो जो बच्चे की असाइनमेंट में ER आई है तो उन बच्चों का पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होगा। जिन बच्चों का जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो असाइनमेंट में जो ER आ गई है ना, तो उनका थर्ड सेमेस्टर के साथ वो पेपर लिया जाएगा। और जिस बच्चे ने जो बच्चा 6th सेमेस्टर में है और अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो 5th सेमेस्टर का ही इम्प्रूवमेंट दे सकता है 6th सेमेस्टर में रह के। और अगर जो बच्चा 5th सेमेस्टर का में है और इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो 3rd सेमेस्टर का दे सकता है। और अगर जो बच्चा अभी 3rd सेमेस्टर में है तो वो इम्प्रूवमेंट अपने 1st सेमेस्टर का ही दे सकता है। और जो आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके पेपर से एक हफ्ते पहले आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और जो रेगुलर के बच्चे जो हैं तो उन्हें जो अपना जो उनके कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या उनकी जो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है तो वो वहाँ से जो जाके वहाँ इंफॉर्मेशन चेक करते रहें, वहाँ उनके पेपर के लिए कुछ गाइडलाइन आ सकती है। और अब पेपर से कुछ दिन पहले नोडल ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर की लिस्ट आएगी आपके वेबसाइट पे, तो वो जब आएगी तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे आप खुद भी चेक करते रहे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। और जो हमें OBE एग्ज़ाम देना है, जो OBE एग्ज़ाम आप देंगे, जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट दिया था जो A4 शीट में, जैसी भी आपको प्लेन सीट हो या लाइनिंग वाली सीट हो, जो सीट में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप दे सकते हैं, तो वैसी आपको A4 शीट में ही आपका आंसर लिखना है। और आंसर लिखना है आपको, उसके जो PDF बनानी है तो हर आंसर की अलग अलग PDF बनानी है। जैसे हमने असाइनमेंट में दिया था कि एक जगह ही PDF बनाया था सारे क्वेश्चन की, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन की एक जगह PDF नहीं बनानी है, अलग अलग PDF बनानी है। हर क्वेश्चन की अलग अलग PDF होनी चाहिए। अगर अगर सपोज 4 क्वेश्चन है तो 4 PDF बनेगी, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 PDF बनेगी, अगर 2 क्वेश्चन है तो 2 PDF बनेगी। इस तरीके से हमें PDF बनाना है। और हर क्वेश्चन के जो हर क्वेश्चन का जो हम PDF बनाएंगे, जो जो हम फ्रंट पेज जो लिखेंगे, वो क्वेश्चन लिखने से पहले जो हम फ्रंट पेज लिखेंगे आंसर, तो उसका जो फ्रंट पेज पे जो आपको जो जो डिटेल लिखनी है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, तो वही डिटेल जो है लिखनी है फ्रंट पेज पे। और जो उसके बाद जो सारा पेज आएगा उस पे आपको अपना नाम, एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेज नंबर तो लिखना ही लिखना है, और आपका SOL रोल नंबर, और आपको नीचे साइन ज़रूर करनी है हर पेज पे, जिस तरीके से आपने असाइनमेंट में किया था। और इसकी PDF की जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप PDF बनाते हैं और अगर 7 MB से ज़्यादा की PDF बन जाती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि PDF कैसे, PDF के साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं, उसकी मैं वीडियो बना के मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इस वीडियो की। और आपको जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा पेपर देने का, वो 4 घंटा मिलेगा, जिसमें से आपको 1 घंटा पेपर डाउनलोड करने का और आंसर शीट स्कैन करके अपलोड करने का मिलेगा, और 3 घंटे आपको पेपर लिखने का मिलेगा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 6 घंटा मिलेगा टोटल, और आपको 60 मिनट अलग से एडिशनल मिल सकता है अगर आपको
कोई टेक्निकल इशू आ गया, कभी कभी वेबसाइट हैंग हो जाता, कभी वेबसाइट नहीं खुलता, या आपके एरिया में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंटरनेट की टेक्निकल प्रॉब्लम है उस वजह से, या आपकी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, या आपका आंसर शीट अपलोड नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको 60 मिनट अलग से तब मिलेगा जब कोई टेक्निकल इशू आता है। आप ये मत समझिए कि 60 मिनट आपको मिल ही गया, आपको तो करना 4 घंटे के अंदर ही है, लेकिन 60 मिनट आपको एक्स्ट्रा तब मिलेगा जब कोई टेक्निकल इशू आता है। और आपने सुना है कि जो हमारा ये एग्ज़ाम होगा ये दोनों मोड में होगा, फिजिकल मोड में भी और OBE मोड में भी होगा। तो अगर आप फिज़िकल मोड चूज़ करते हैं तो आप अगर फिज़िकल नहीं जा पाते कॉलेज में तो आप OBE मोड में भी दे सकते हैं पेपर, अगर आप फिज़िकल मोड चूज़ करते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते वक्त तो। और अगर आप OBE मोड पहले ही चूज़ कर देते हैं तो आप फिर OBE मोड में ही दे सकते हैं, अगर आप चाहें कि मैं फिज़िकल मोड में जाके इस कॉलेज में जाके पेपर दूँ तो आप नहीं दे सकते। तो आप जब भी ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन आए फिज़िकल मोड या OBE मोड का, तो आप उसको ध्यान से भरिएगा, अपने सोच समझ के भरिएगा। और PDF की जो साइज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि उस 7 MB से ज़्यादा की PDF साइज़ नहीं होनी चाहिए, 7 MB से कम होनी चाहिए। अगर 7 MB से ज़्यादा बन जाता है तो मैं वीडियो बना कर डाल दूँगा कैसे PDF की साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख के अपना PDF साइज़ रिड्यूस करके और अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा जिस पे आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें SOL की तरफ से एक मॉक टेस्ट पेपर जो आपके पेपर से एक हफ्ते पहले आपके वेबसाइट पे आएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है, किस तरीके से आपको पेपर डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको पेपर स्कैन करना है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा एक हफ्ते पहले से ही, जिस जो आपको पेपर के वक्त ये कुछ दिक्कत ना हो। और अगर आपको PDF बनाना नहीं आता है तो इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि PDF कैसे बनाते हैं, आप PDF बनाना, साइज़ रिड्यूस करना, सारा चीज़ सारा अभी सीख लीजिए। वेबसाइट भी अगर वेबसाइट में मैं दे दूँगा, वेबसाइट भी आप खोल के देख लीजिएगा, या अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो अगर आपके आसपास कोई जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिन्हों वो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।